हत्या के मामले में जेल में बंद श्रीनगर निवासी आरोपी आकाश ताराचंद गौड़ की जेल में संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई। जेल के पुलिस ने उसे आत्महत्या बताई है। वही मृतक के परिजनों वाले माँ परिजनों क्या लिखते हैं हत्या के मामले में जेल में बंद शहर के श्रीनगर निवासी आरोपी आकाश ताराचंद गौड़ की जेल में संदेहास्पद में स्थिति में मृत्यु। हत्या के मामले में जेल में बंद शहर के श्रीनगर निवासी आरोपी आकाश ताराचंद गौड़ की जेल में संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है। जेल में पुलिस ने उसे आत्महत्या बताई है। तो वही हत्या के मामले में जेल में बंद शहर के श्रीनगर निवासी आरोपी आकाश ताराचंद गौड़ की जेल में संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई। जेल के पुलिस ने उसे आत्महत्या बताई है। तो वही मृतक के परिवार वालों ने जेल में आकाश की पीट पीट कर हत्या की गई है, ऐसा आरोप लगाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज हो और गौड़ परिवार को न्याय मिले ऐसी गुहार पत्र परिषद के दौरान लगाई है। हत्या के आरोपी की जेल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पिटाई कर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। इससे चर्चा में रहने वाले जेल अधिकारियों के माथे पर बल पड़ गया है। मृतक नंदनवन निवासी 28 वर्षीय आकाश ताराचंद गोंड है। आकाश ने अक्टूबर 2021 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद वह पुलिस हिरासत के तहत जेल में कैद था। शनिवार की दोपहर उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। सीने में दर्द होने पर उसे जेल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल अस्पताल पहुंचाने पर आरोपी को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना का पता चलने के बाद आकाश के परिजन मेडिकल पहुंचे। आकाश के परिजनों ने जेल में पिटाई से आकाश की मौत होने का आरोप लगाया। किसने बुलाया आकाश बाहर आने बोला? अवस्थी ने बोला। हाँ, इसने बोला कि सवेरे बात करेंगे, अभी तू चला जा, मैं सो रहा हूँ। तो मेरे को देख के वो वापस चला गया। फिर और दोबारा आया, जैसे फिर बोले 2 मिनट के लिए आया। तो मैं इसके पीछे पीछे गई। ये दोनों गाड़ी पे बैठे थे। वो उसने राम ने क्या किया क्या नहीं सब उसी की पूरा है, वही लाया घर में। मेरा लड़का घर में सोया था। आरोप है कि कारागृह के अंदर आकाश गौड़ की हत्या की गई, ये आरोपी नहीं है, पूर्णतः सत्य है। आकाश गौड़ नागपुर सेंट्रल जेल के अंदर में 302 के अंतर्गत बंद था, जिसकी जांच चल रही थी। उस दौरान आकाश गौड़ के पिताजी ने नागपुर सेंट्रल जेल में जब मुलाकात डाला था, यानी उसकी हत्या होने के 4 दिन पहले, तब आकाश गौड़ ने अपने पिता ताराचंद गौड़ को ये बताया था कि पापा मेरी बेल यहाँ से जल्द से जल्द कराओ, मेरे को यहाँ मेंटली हरासमेंट टॉर्चर बहुत किया जा रहा है, जो कि वो सेंट्रल जेल है। अब उस बच्चे ने जितना फ़ोन के ऊपर बोलना था कि वहाँ डायरेक्ट आमने फेस टू फेस बात नहीं होने देते, ऐसा उनको बताया। इन्होंने बेल के लिए ट्राई किया, अर्जी डाला, पर हुआ ये मौजूद हालत में कि 3 ही दिन के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कर देने का कारण क्या है, क्योंकि नंदनवन थाना पुलिस थाना के अंतर्गत जो इसके ऊपर में 302 का मामला बनाया गया, वो मामला भी टोटली बोगस है, फ्रॉड है। इसीलिए हमारी मांग है ये सारी केस की नंदनवन पुलिस थाना की और सेंट्रल जेल की, इसकी CID ही जांच होना चाहिए। हफ्ते भर पहले आकाश के पिता बेटे से मिलने के लिए जेल गए थे। उस वक्त आकाश ने जान का खतरा बताते हुए जेल से मुक्त कराने की याचना की थी। चर्चा है कि आकाश का जेल के प्रतिद्वंदी अपराधियों से विवाद चल रहा था। आकाश की प्रतिद्वंदियों से मारपीट भी हुई थी। फिलहाल इस मामले में सबक सिखाने के लिए आकाश की पिटाई की गई थी। आपको बता दें कि वैसे भी नागपुर जेल कुछ समय से बेहद चर्चा में है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट।